हे गाइस वेलकम बैक सुनील गेमर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एंड ना ही आज कोई पबजी वर्ल्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स है, या ना ही कोई पबजी है, या फिर ना ही कोई दूसरे गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन या फिर गेम प्ले है। आज गाइस मेरे को आप सभी लोगों के हेल्प चाहिए, यूट्यूब कम्युनिटी जो भी है उन सभी लोगों की यार हेल्प चाहिए यार गाइस। तो गाइस प्रॉब्लम क्या हुई थी, आप सभी लोगों, अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, मेरे सुनील गेमर यूट्यूब चैनल को, तो आपको पता होगा गाइस मेरा एक दूसरा चैनल है सुनील इज लाइव, जिसमें मैं गाइस लाइव स्ट्रीम करता हूं। तो वहां पे गाइस मेरे तकरीबन 3-4 हफ्तों के अंदर ही मेरे 50,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले थे। बहुत खुश थे यार हम सभी लोग, बहुत लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, 8-8, 9-9 घंटे हमने लाइव स्ट्रीम की। एक बार सोचो यार, अगर कोई बंदा 8 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठता है तो यार उसकी हालत क्या होती है। हम 4 लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छी वॉचिंग आती थी, सभी लोग बहुत अच्छे थे, मेरी पूरी टीम रेंजिन यूजी सिक्स और शिवम और मैंने, सभी लोगों ने बहुत मतलब मेहनत की थी। एंड हमने 10,000 वॉचिंग को भी गाइस क्रॉस किया था। तो गाइस प्रॉब्लम क्या हुई थी गाइस, कल मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था और लाइव स्ट्रीम करते वक्त गाइस एकदम से मेरी जो है लाइव स्ट्रीम पे कम्युनिटी गाइडलाइन की यूट्यूब की स्ट्राइक आ गई। हमने कोई गलती नहीं की थी गाइस, कोई गालियां नहीं दी थी, कुछ भी नहीं किया था गाइस, एकदम से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई। और कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक कैसे आई गाइस कि मैंने जो है सुबह एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था, मेरे सुनील इज लाइव यूट्यूब चैनल पर मैंने लाइव गया था। तो वहाँ पे जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया तो 2 लाइव स्ट्रीम गाइस एक साथ में स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा यार 2 लाइव स्ट्रीम एक साथ में स्टार्ट, तो मैंने गाइस क्या किया, उस लाइव स्ट्रीम को क्लोज कर दिया। क्लोज करने को मैंने दूसरी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया तो लाइव स्ट्रीम सही तरीके से चल रही थी। तो पिछली जो लाइव स्ट्रीम थी ना, जो कि एकदम 2 साथ में स्टार्ट हो गई थी, तो 1 मिनट की थी और 1 मिनट की जो वीडियो थी, जो लाइव स्ट्रीम थी, उस पे गाइस यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दे दी। हमने गाइस कुछ भी नहीं गलती की, तो भी यार कम्युनिटी गाइडलाइन मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई। तो लाइव चल रहा था, एकदम से स्ट्राइक आई तो लाइव स्ट्रीम बंद हो गया। तो मैंने हमारी पूरी टीम ने मतलब जो गेम वगैरह सब कुछ क्लोज किया। एंड फिर हमने यार गेमिंग कम्युनिटी मतलब जो है बीबीजी वगैरह है, उन लोगों से कॉन्टेक्ट किया यार, तो उन लोगों ने मतलब बहुत हेल्प किया यार, थैंक यू सो मच भाई। हुआ कुछ नहीं यार, लेकिन जो हेल्प करता है बंदा उसका तो यार होना चाहिए। तो गाइस हमने बहुत हेल्प की, मतलब उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने मतलब हर किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट भी किया, उसके साथ साथ में जो है अलग अलग मतलब जैसे कि हमने अपील किया, अपील के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख के यूट्यूब को सेंड किए। लेकिन बात क्या हुई गाइस, जैसे ही हमने अपील किया ओनली 2 मिनट के अंदर रिप्लाई आ गया कि आपकी अपील रिजेक्ट है और आपके 3 महीने के लिए स्ट्राइक है। तो वो जो अपील है ना ही किसी मतलब एक लिटरली एक बंदे ने भी नहीं पढ़ी, यूट्यूब के जो रोबोट प्रोसेसिंग होती है उससे मेरी जो है स्ट्राइक मतलब लग गई, मतलब रोबोट प्रोसेसिंग के कारण जो है अपील अपने आप जो है रिजेक्ट हो गई। तो गाइस यार अब मतलब यार बहुत मेहनत की थी यूट्यूब चैनल पे यार, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या जब कुछ नहीं हो सकता यार, मैं इस चैनल मतलब सुनील इज लाइव जो मेरे चैनल है उस चैनल पे मैं ओनली जो है गेम प्लेस वीडियो अपलोड करूंगा और कुछ नहीं, ओनली ऑन जो है उस पर गेम प्लेस वीडियो आएंगे। एंड जब भी स्ट्राइक हटेगी तब यार लाइव स्ट्रीम जरूर करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच यार, इतना आप लोगों ने प्यार दिया, हम हार नहीं मानेंगे गाइस। मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है गाइस, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज यार हो सके तो जो भी लोग यार एक साथ में भाई लोग जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड प्यार देना वहां पे गाइस, हम आज ही लाइव करेंगे उस चैनल पे, हार नहीं माननी यार। यूट्यूब कम्युनिटी बहुत अच्छी है गाइस, एंड जो भी यूट्यूब कम्युनिटी के जो बंदे हैं यूट्यूबर्स हैं, अगर कोई हेल्प कर सके तो प्लीज यार हेल्प कर देना। यूट्यूब जो ये वीडियो है आप सभी लोग देख रहे हो, और अगर नहीं कर सको तो भी यार लव यू भाई लोग, लव यू, थैंक यू गाइस। मिलते हैं आप सभी लोगों से न्यू गेमिंग मतलब जो लाइव चैनल है, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, थैंक यू सो मच।